नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। इस वीडियो हम बात करेंगे जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड होते हैं वो किन किन को दिए गए हैं, जैसे कि राजीव खेल और अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ये दिए जाते हैं, तो ये किन किन को दिए हैं। तो चलिए, आज का सेशन इसी पे बेस्ट रहेगा। और इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी और इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स, जैसे कि बात करें, द्रोणाचार्य अवार्ड हुआ, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड हुआ, राजीव खेल रत्न हुआ, तो ये किन किन को दिए हैं, तो मैं इनको बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसे हिंदी में बोला जाता है, ये स्टार्ट कब हुआ था, 1976 में स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे 1976 में, और ये खेल में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 साल की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेले के क्षेत्र में शानदार सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, और राजीव गांधी खेल रत्न के बारे के दो से अधिक खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, तो ऐसा है। और अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेता के उत्पादन के लिए कोच को कौन सा दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो कोच रहते हैं हर टीम के, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेल विकास में जीवन काल योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने खेल में, एक बात करें, जीवन काल लगा दिया, योगदान दिया अच्छा खासा, उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद कौन थे, ये हॉकी प्लेयर थे, ओके, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और चलिए आगे देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न, और यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा सालाना सम्मानित किया जाता है। बात करें प्राप्तकर्ताओं, इस मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा चुने जाते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में अपने शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। अब इस पुरस्कार में मिलता क्या है, पदक मिलेगा आपको, प्रमाण पत्र मिलेगा और 7.5 लाख का नगद पुरस्कार मिलेगा। किसी दिए गए वर्ष के लिए नामांकन 30 अप्रैल तक या अप्रैल के आखिर कार्य दिवस तक स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक खेल अनुशासन के लिए नामांकित 2 से अधिक खिलाड़ियां नहीं होते हैं। 12 वर्ष एक 12 सदस्यीय समिति ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, एशिया खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एक खिलाड़ी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। और जो राजीव खेल रत्न पुरस्कार है, सबसे पहले किसे मिला था, विश्वनाथ आनंद को, ये चेस के खिलाड़ी हैं, और सबसे यंगेस्ट की बात करें तो अभिनव बिंद्रा को यह मिला था। यह 14 खेलों विश्व में 36 प्राप्तकर्ता रहे हैं 2018 तक। कितने रहे हैं, 14 खेल के लिए, और उसमें 36 प्राप्तकर्ता रहे हैं। और 2018 में अभी बात करें तो राजीव खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है विराट कोहली को और मीरा भाई चानू को। तो विराट कोहली क्रिकेट से रिलेट करते हैं और मीरा भाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग से, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो राजीव खेल रत्न पुरस्कार बात करें विराट कोहली और मीरा भाई चानू, इन दो लोगों को मिला है। अब कुछ अर्जुन अवार्ड की बात कर ले तो अर्जुन अवार्ड किसे किसे मिला है, जैसे कि हम बात करें श्री नीरज चोपड़ा, ये एथलीट्स हैं और इनको मिला है, और नाना सूबेदार, जॉनसन जॉनसन, ये भी एथलीट्स हैं, और हिमा दास, ये भी एथलीट्स हैं, और नीला कुर्ती, सिक्की रेड्डी, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो इन्हें मिला है, और सूबेदार सतीश कुमार बॉक्सिंग में, इन्हें मिला है, और मिस्टर स्मृति मंधानन, ये क्या है, क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, तो इन्हें मिला है, और शुभांकर शर्मा, ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं, इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार, और मनप्रीत सिंह, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, इन्हें भी मिला है अर्जुन पुरस्कार, और सविता बात करें तो ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं, और रवि राठौर जो पोलो के खिलाड़ी हैं, इनको ये अर्जुन पुरस्कार मिला है।
और ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में। तो ये कब मिले थे, 25 सितंबर को दिए गए थे राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्वारा। अब और किस किस को मिला है अर्जुन पुरस्कार, राखी शर्वोनोत इन्हें शूटिंग में मिला है, और ये अंकुर मित्तल ये भी शूटिंग के खिलाड़ी इनको भी मिला है, और श्रेयसी सिंह ये भी शूटिंग के हैं तो इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, और जी सत्यनारायण ये भी टेबल की खिलाड़ी हैं, और रोहन पनोन्ना बोपन्ना ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, रोहन बोपन्ना इनको भी ये पुरस्कार मिला है, और सुमित को मिला है ये रेसलर हैं तो इनको भी मिला है, और पूजा पूजा कायनन इनको विशु मिला है, और अंकुर धामा ये जो है पैरा एथलीट्स हैं, और मनोज सारकर ये भी पैरा बैडमिंटन है, इनको बैडमिंटन में मिला है अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य की बात करें, द्रोणाचार्य किसको मिलता है, जो कोच रहते हैं उनको मिलता है, तो यह सूबेदार चंदनन चायवाल चाय अच्छाए कुट्टपट्टा ये बॉक्सिंग के कोच थे उनको मिला है, और श्री विजय शर्मा ये वेट लिफ्टिंग के थे इनको मिला है, और श्रीनिवास राव ये टेबल टेनिस के हैं तो इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, और सुखदेव सिंह पन्नू एथलीट्स के कोच हैं तो इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, और क्लेरेंसन लोबो हॉकी के हैं इन्हें लाइफ टाइम के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, और टाकर सिन्हा इन्हें भी क्रिकेट के हैं तो इन्हें भी लाइफ टाइम के लिए ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। जवान कुमार शर्मा श्री जवान कुमार शर्मा को मिला है जूडो में तो ये भी इन्हें भी लाइफ टाइम के लिए मिला है, और बी आर बिट्टू को एथलीट्स हैं जिन्हें भी लाइफ टाइम के लिए मिला है। ध्यानचंद अवार्ड की बात करते तो श्री सत्यदेव प्रसाद को मिला है अर्ची तीरंदाजी में, और भारत कुमार चिटरी इनको हॉकी में मिला है, मिस्टर बॉबी एलोयसिस एथलीट्स के खिलाड़ी हैं इनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है, और बात करें तो चौगेल दादू दत्तात्रेय इंडिया रेसलिंग के हैं तो इनको भी ये ध्यानचंद अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं कि जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मौका ट्रॉफी किसको मिली है, तो ये जो है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में इनको मिली है, मौलाना अब्दुल कलाम जिसे माका शॉर्ट में बोला जाता है तो इनको ये ट्रॉफी मिली है। तो ये थे हमारे नेशनल स्पोर्ट जो अवार्ड दिए जाते हैं उससे रिलेटेड, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोशिश कर रेड बटन दिया हुआ और एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।